बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आया था ये इसकी। और गाइस शाम का टाइम है, जस्ट मैंने अभी रील्स बनाई थी, आज काफ़ी दिनों में जाके मैंने लहंगा लुगड़ी की रील्स बनाई है। आज ही मैंने दिन में एक रेड लुगड़ी और ब्लैक छीट वाला ब्लाउज में रील बनाई थी, मतलब आज काफ़ी दिनों में मैंने रील बनाई है लहंगा लुगड़ी में। ये अलग बात है कि मैं कहीं घूमने गई तब मैंने बना ली, लेकिन वैसे लहंगा लुगड़ी पहन के मैंने काफ़ी दिन में रील बनाई है। आज कम से कम 10-15 दिन हो गए मुझे सूट वगैरह ऐसे टी शर्ट में ऐसे ही बना रही थी मैं रील्स। सो चले भैया, बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है। ओके चश्मा हटा लेते हैं भाई, जैसे ब्लॉग आता है ना और जैसे इंस्टाग्राम रील में मैं लेती हूँ तो तुरंत ये चश्मा हटा लेते हैं, छोरा छापरा बन जाता तुरंत। चल क्या कर रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो? तो अखबार पढ़ रहे, शाम की टाइम ये दिया बत्ती का टाइम हो चुका है। तो भैया मैं तो जल्दी नीचे और यहाँ पे मेरे स्टैंड क्या 4 रुपए किलो टमाटर। गाइज आपको सूचना दे रही हूँ मैं, 4 रुपए किलो टमाटर आया। कहाँ पे आए? सब जगह 4 रुपए किलो टमाटर। खूब खाओ, भर भर के सलाद में खाओ, सब्जी बनाओ, चटनी बनाओ, जो मन करे वो बनाओ, दाल में डालो, कुछ भी करो भाई, 4 रुपए किलो टमाटर हो चुके हैं। खा तो एक दिन 400 रुपए किलो, तो टाइम टाइम की समय समय की बात है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो घमंड में नहीं आना चाहिए, है ना। टमाटर उस दिन बहुत घमंड में आया था ना, रील्स बन रही थी टमाटर के ऊपर, वीडियोज़ बनने लगी टमाटर के ऊपर, अब बनेगी वीडियो फिर। 4 रुपये किलो टमाटर हो चुके हैं और हम इसी खुशी में नीचे जा रहे हैं, जाते ही टमाटर खाएंगे। मतलब ब्लाउजों की जो बाजू थी उनमें मैंने कुछ चेंजिंग करवाया था, पहले मतलब बहुत बेकार लगते थे और अब बहुत ही ब्यूटीफुल हो गए हैं वो मेरे इस दिमाग की वजह से। ओके तो एक ब्लाउज मैं ये लेके आई थी, ये तो कॉटन का सूट का कपड़ा था, तो ये ब्लैक शीट में मुझे इतना पसंद तो नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा वीडियो में अच्छा आएगा, और हाँ वीडियो अच्छी भी बनी इसकी। रियल देखने में इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कॉटन में है और इतना अच्छा वो ब्लैक वाला प्रिंट इसमें नहीं है, तो लेकिन इसमें डिज़ाइन मैंने ये दिलवाया था तो मेरा दिमाग थोड़ा काम कर गया, क्योंकि इस डिज़ाइन में मैंने जो लाल पट्टी लगवाई थी ना, ये पाइपिंग, इससे इसने बहुत ही अच्छा लुक दिया इस ब्लाउज ने। मतलब इसकी ना बोलते हैं ना वो ब्लाउज का काया पलट हो गया, आदमी हो कुछ भी हो तो उसमें थोड़ा सा पलटा मैंने कर दिया ना, तो ये रेड वाली ये पाइपिंग ने इसका लुक ही चेंज कर दिया, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है अब ये। और उसके बाद में था मेरा ये ब्लैक ब्लाउज, जो पहले इसकी बाजू ना ही तो लंबी थी और ना ही शॉर्ट थी, ना ही लॉन्ग और ना ही शॉर्ट, मतलब इतना था ये, तो बहुत ही अजीब। और हमारे हाथ बिल्कुल पतले पतले, ऐसे ही मीना के हाथ हैं ऐसे ही मेरे हैं, तो पतले पतले हाथों में ना बहुत लक्कड़ से हाथ लगते थे हमारे, बहुत ही बेकार वाला ब्लाउज लगता था। मतलब वो पहले पहनती थी ना बूढ़ी बड़ी, ऐसा वाला ब्लाउज लगता था। लेकिन मैं लेके आई थी फिर नेट और एक लेके आई थी गोटा, और वो जो बाजू थी मैंने उसको चेंज करवा दिया, उसको खुलवा के और मैंने ये वाली बाजू लगवा दी, तो है ना कितनी प्यारी लग रही है ना अब ये वाली ब्लाउज देख लो, ना ही मेरे हाथ इसमें दिख रहे हैं और पूरा ब्लाउज बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक दिया इस ब्लाउज ने। और दूसरे नंबर का ब्लाउज है वो भी बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आया था ये। इसकी बाजू है ना गाइस इतनी इतनी सी थी, पहले 5 साल पहले का ब्लाउज है ये, मेरी दुल्हन 6वीं साल चल रही है, तो इसकी बाजू इतनी इतनी सी थी, जैसे अपन पहनते थे और यहाँ पे आके समाप्त हो जाती थी, बहुत बेकार लगती थी। मतलब पहले के हिसाब से ठीक थी लेकिन अब के हिसाब से बहुत बेकार लगती थी। फिर मैं लेके आई रेड कलर की ये, इससे मिलता जुलता नेट बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसमें अलग से कुछ जोड़ा है। फिर मैं एक लेके आई थी ये पट्टी और ये क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर रहता है ना ये, और इसमें फिर मैंने ये झल्लर वाला ये बनवा दिया, तो इस ब्लाउज भी भाई इस ब्लाउज का भी ना लुक बिल्कुल चेंज हो गया, आप देख लो कितना प्यारा ब्लाउज अब लग रहा है ये, है ना अच्छा वाला ब्लाउज बन चुका है ना मेरा, बिल्कुल यहाँ तक आया, बहुत ही प्यारा लुक दिया इसने। सबसे अच्छा यही लगा मुझे कि भाई 10-5 रुपये में इस ब्लाउज की काया पलट हो चुकी है, बहुत ही प्यारा पीस लगा मुझे ये। और चौथे नंबर का ब्लाउज है
मेरा ये। तो इस ब्लाउज में हमने खास कुछ करवाया नहीं था क्योंकि ये यहाँ तक था, पहले से ऑलरेडी यहाँ तक था, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे पट्टी इसमें लगवा दी, ये वाली ये गोटा होता है ना वो लगवा दिया, तो इसने भी अच्छा खासा लुक दे दिया फिर उसके बाद में। और यहाँ पे अभी एक सिलाई इसको खोल दूंगी तो वो काफी अच्छा लगेगा। तो गाइज आप लोगों को जो मैंने मेरे ब्लाउजों में बदलाव किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को भी पहले से ऐसे ब्लाउज पड़े हो तो आप लोग मेरी तरह कर सकते हो, इनकी स्लीव्स चेंज कर दो, बाजू चेंज कर दोगे तो उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। और हाँ अभी तक मेरे पास में काफ़ी ब्लाउज और हैं तो मैं उनका भी कुछ करने वाली हूँ, जैसे कि गाइस ये देखो ये मेरा ब्लाउज है, इसकी जो बाजू है ना काफ़ी छोटी है, मतलब यहाँ तक की ब्लाउज है ये, और वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज है। ये देख लो, आप खुद ही देख लो कितना प्यारा ब्लाउज है ये, है ना। अब इसमें मैं बाजू चेंज करवाऊंगी, इसमें मैं लगवाऊंगी पिंक कलर की नेट, जो काफ़ी सुंदर वाली नेट होती है ना, वो नेट लगवाऊंगी मैं, और इसको मैं यहाँ तक करवाऊंगी और फिर इसमें कुछ झल्लर वगैरह कुछ भी है, झल्लर वल्लर कुछ भी लगवा दूंगी, फिर देखते हैं इस ब्लाउज का लुक कैसा होता है। जो पीछे की डोरी है इनको हटवा के मैं न्यू डोरी लगवा दूंगी, हो सकता है ये भी ठीक है लेकिन मेरे नहीं बैठेगा ना, तो मैं दूसरी न्यू डोरी इसमें लगवा दूंगी तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। ओके आई होप आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, मेरे ब्लाउज आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं हम समाप्त करते हैं, बाय, राम राम। आप लोगों के इनमें से सबसे अच्छा ब्लाउज कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइस, गाइस देखो दोनों बहन खेलने लग रही है, कभी पापा को डाली कभी मम्मी को डाली, चिड़िया उड़ वाला गेम खेल रही है। तो चलो उड़ाओ चिड़िया, पिट्टू उड़, बंदर उड़, मम्मी उड़, चुटकी उड़, पापा उड़। हाँ पापा उड़ा दी, पापा उड़ते नहीं है ना, मार पड़ेगी आपके, छोटू मार दो दीदी के, दे मार देवा ने, दे मार देवा मेरा ठाडी होगी। हाँ चलो चलो नमक मिर्ची पटको, नमक मिर्ची पटको। सुहानी के चाचा आ गए, और सुहानी को भूल गए भाई, ये इनको पता ही नहीं है कि मेरी सुहानी है ये। और गाइस देखो मैं सब्जी बना रही हूँ, आज मैं बनाऊंगी दाल और बाजरे की तोरी, मेरा मसाला तैयार हो चुका है दाल का, तो इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि बिल्कुल सूखा मसाला हो गया है, तो थोड़ा पानी डाल दिया कर देती हूँ, नहीं तो दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी मेरी। ये नहीं हमारी बाटी भैया के लिए भी बनाई थी, लेकिन भैया बोल रहे थे हम पहले जा रहे हैं तो घर जाके खाएंगे वो, क्योंकि फिर कट्टा वाला आ जाएगा, वो कट्टा आप बोलते ना ट्रेन, कट्टा ट्रेन, कट्टा ट्रेन आ जाएगी फिर, क्या बोलते हैं उस कट्टा ट्रेन को, किसी को पता है इसका असली नाम, मुझे नहीं पता भैया। कट्टा ट्रेन का नाम क्या है, कट्टा ट्रेन का नाम क्या है, नाम भी दो को, कट्टा ट्रेन का है आगरा फोर्ट बोलते हैं, आगरा से चल के आगरा जाने वाली, लेकिन इसको कट्टा क्यों बोलते हैं, ये तो देसी लैंग्वेज में इसको कट्टा बोलते हैं, कट्टा किट्टी में बैठ के जाओ आओ मौज कर। वैसे ऐसे दिखे इनके सदस्य देखो भाई मेरे को बहुत अजीब लगा कि आज भैया सुहानी को भूल गए, बता कई सुहानी ओठा मिल जाती जब स्टेशन पे पहुंच जाती जब कहीं करता हूँ नहीं, आपने अभी सोता का खेली खसू आ गई है मम्मी पापा ही गुन्या भैया भी कर रहा यार, खा रहे हो नमकीन चुपरी बहुत है, गाइस ये देखो ये मेरी बाटी बन के रेडी है, मैं बाटी ले आई हूँ, और ये देखो दाल भी मैंने बना ली है ये, और चुटकी खाने लग रही है, चुटकी को बहुत तेज वाली भूख लग रही है, सुहानी को बुखार आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ बेटा तू भी खा दे, आजा आजा बेटा जल्दी आजा, मेरा लाडो आजा
तो गाइस आप लोग भी खा लो। सिर्फ मैंने 3 बाटी चुपड़ी है यहाँ पे और 3 बाटी में मैंने घी लगाया, बाकी मैं नहीं लगाया क्योंकि स्वानी के पापा आएंगे ना तब लगाऊंगी। फिर क्या हो गया बेटा, मीठा लगेगा? शक्कर की तो बुरी लगे यार, दाल बनाई है ना आपके लिए मैंने, आपने बोला दाल बनाओ, फिर दाल से नहीं खाओगे आप? तो फिर दाल से खाओ, तो दाल ये आप बाद में शक्कर डालूंगी, पहले दाल से खाओ ठीक है? हाँ मुझे दे दो ना थोड़ी सी। ये सेकी कौन सा यार? मैंने सेकी है। सेकी बोला से। सभी को गुड नाइट बोलो। जोर से बोलो गुड नाइट गाइस। सो जाओ, रात के 10 बज चुके हैं, मम्मी ने एडिटिंग कर लिया है, कल वीडियो आ जाएगा, अपलोड कर देगी मेरी मम्मा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोल दे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है, सही में प्यार करती है? कितना? बहुत प्यार करती है, बहुत मारती है, बहुत मारती है, बहुत प्यार करती है। बेटा हर दिन मार, माँ बाप ही तो पीटते भी है, गलती करते हैं तो, और फिर प्यार करते हैं।